जय मंगल, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। जी, आज का जो मेरा वीडियो है CISF में एक न्यू पोस्ट के भर्ती नियम की जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो में मिलने वाले वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। जी हाँ, CISF का एक नोटिस है, इसके माध्यम से आप लोग को जानकारी मिलने वाली है। आप लोग देख सकते हैं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, फ्रेमिंग ऑफ रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल कैनल में न्यू पोस्ट। जी हाँ, न्यू पोस्ट, न्यू RRS इन CISF। तो यहाँ पे जो इस नोटिस के माध्यम से आप लोग को जिनका जानकारी मिलने वाली है वो आप लोग की फ्रेमिंग ऑफ रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल कैनल में न्यू पोस्ट। जी हाँ, कांस्टेबल कैनल मैन के नए पद के भर्ती नियम की जानकारी, जी हाँ, रिक्रूटमेंट रूल्स की जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो में मिलेगी इस नोटिफिकेशन के बारे में। यानी कि कैनल मैन का की जो न्यू पोस्ट है इसके भर्ती का क्या नियम है उसकी जानकारी आप लोग को इस नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलने वाली है। मीन्स आने वाले समय में आप लोग को ये भर्ती देखने को मिलेगी। इसके रिक्रूटमेंट रूल्स की जानकारी आप लोग इस नोटिस के माध्यम से ले सकते हैं। कितनी वैकेंसी रह सकती है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रह सकता है, क्वालिफिकेशन क्या मांगी जाएगी, पूरी जानकारी आप लोग को मिलने वाली है। भर्ती अभी नहीं आई है, मैं आप लोग को क्लियर कर दूं। रिक्रूटमेंट रूल्स से रिलेटेड यहां पे जानकारी आप लोग को मिल रही है। जी हाँ, इट इज इंटीमेट टू कंसिक्वेंट अपॉन क्रिएशन ऑफ न्यू पोस्ट। जी हाँ, नए पद की जो क्रिएशन के लिए यहाँ पे आपको सूचित किया जाता है। फ्रेमिंग ऑफ रिक्रूटमेंट रूल्स, जो भी आप लोग का भर्ती का नियम फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल कैनलमैन की जो पोस्ट है इसके भर्ती के नियम के नए पद के सृजन के लिए जो आप लोग को सूचित किया जाता है। CISF इज अंडर कंस्ट्रक्शन ऑफ अप्रूवल। तो यहाँ पे जो मंजूरी के लिए अनुमोदन हेतु विचाराधीन है। जी हाँ, MHA से जैसे ही इसकी मंजूरी मिल जाती है बिल्कुल आप लोग की ये भर्ती देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप लोग CISF अंडर कंसिडरेशन ऑफ अप्रूवल ऑफ MAH। जी हाँ, चलिए, तो वैकेंसी आप लोग को आने वाले समय में देखने को मिलेगी। अप्रूवल मिलते ही कांस्टेबल कैनल मैन की न्यू पोस्ट है आप लोग की। जी हाँ, नेम ऑफ पोस्ट की जानकारी आप लोग को दी गई है, कांस्टेबल कैनल मैन, रीजन ऑफ प्रोविजन, ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट आप लोग की क्या रह सकती है आप लोग देखेंगे। 2024 की जानकारी आप लोग को दी गई है। 25 यहाँ पे आप लोग को बताया गया है, सब्जेक्ट ऑफ वेरिएशन डिपेंड अपॉन द वर्कलोड। तो वर्कलोड के अनुसार यहाँ पे वैकेंसियां आप लोग की घट बढ़ सकती है, ठीक है। जो भी स्ट्रेंथ है यहाँ पे आप लोग को बताया गया। अपडेट अप टू 1/1/2024 तक की जानकारी आप लोग को दी गई। क्लासिफिकेशन की जानकारी आप लोग को दी गई, ग्रुप सी की नॉन गजटेड नॉन मिनिस्ट्रियल आप लोग की पोस्ट है। और इसके अलावा आप लोग का जो पे स्केल रहने वाला 21,700 से 69,100 आप लोग की सैलरी देखने को मिलेगी। चलिए, कांस्टेबल कैनल मैन की पोस्ट है। जी हाँ, न्यू पोस्ट है आप लोग की। वेदर सिलेक्शन ऑफ नॉन सिलेक्शन पोस्ट नॉट एप्लीकेबल, एज लिमिट ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ठीक है, यदि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आप लोग की आती है तो यहाँ पे एज आप लोग की क्या रहने वाली है इसकी जानकारी आप लोग को दी गई, 18 से 25 साल। जी हाँ, काफी कैंडिडेट सोच रहे होंगे 18 से 27 साल इसकी एज रहेगी। जी नहीं, 18 से 25 साल आप लोग की इसमें एज रहेगी जनरल वालों की। और 5 साल का बेनिफिट मिलता है यदि आप लोग SC ST से हैं, और OBC से हैं तो 3 साल का आप लोग को बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा एक्स सर्विस मैन है, जिस कैटेगरी से आते हैं उसके अनुसार आप लोग को एज में बेनिफिट मिलता है। तो नॉर्मल में आप लोग को क्लियर कर दूं, जनरल कैंडिडेट हैं तो आप लोग 18 से 25 साल तक फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। एज कब से काउंट होगी इसकी जानकारी भी आप लोग को दी गई। द क्रूशियल डेट ऑफ डिटरमाइनिंग द एज लिमिट शैल बी क्लोजिंग डेट। या क्लोजिंग डेट जो भी होगी आप लोग की वही से आप लोग की एज काउंट होने वाली है। चलिए, इसके अलावा आप लोग को बताया गया है रिक्रूटमेंट रूल्स, जो एज की जानकारी मैंने आप लोग को दे दी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आप लोग की एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू डायरेक्ट रिक्रूट। जी हाँ, एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू डायरेक्ट रूल्स आप लोग देख सकते हैं। 10th क्लास पास है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। नॉट लेस देन 2 ईयर एक्सपीरियंस। जी हाँ, 2 साल से कम का एक्सपीरियंस आप लोग को नहीं होना चाहिए। हैंडलिंग ऑफ एनिमल फ्रॉम गवर्नमेंट वेटनरी हॉस्पिटल से। जी हाँ, एनिमल्स को हैंडल करने की जो एक्सपीरियंस आप लोग का होना चाहिए गवर्नमेंट वेटनरी हॉस्पिटल से, या फिर किसी डिस्पेंसरी से, या फिर आप लोग की वेटनरी कॉलेज से, या फिर गवर्नमेंट एनिमल फार्म से आप लोग के पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए मिनिमम। और प्लस आप लोग 10th क्लास पास हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। 18 से 25 साल आप लोग की एज रहेगी। रिक्रूटमेंट रूल्स की जानकारी आप लोग को दी जा रही है, आप लोग देख सकते हैं। जी हाँ, फिजिकल स्टैंडर्ड, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल स्टैंडर्ड आप लोग का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोग का जो एग्जाम्स वगैरह होंगे इसमें आप लोग का फिजिकल भी होने वाला है। ध्यान रखिएगा, फिजिकल की जानकारी आप लोग को मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं।
और फिजिकल में आप लोग की हाइट होती है, हाइट यदि आप लोग जनरल ओबीसी और एससी कैंडिडेट हैं तो 170 सेंटीमीटर आप लोग की हाइट होनी चाहिए मिनिमम। रिलैक्सेशन मिलेगा यदि आप लोग कैंडिडेट बिलोंग करते हैं गढ़वालीस, कुमायूस, गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्किमीस, ठीक है, कैंडिडेट बिलोंग स्टेट अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, कश्मीर, लेह लद्दाख रीजन, जम्मू कश्मीर, 165 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट की हाइट रहने वाली है यदि इन कैटेगरी से आते हैं। इसके अलावा यदि आप लोग एसटी कैटेगरी से हैं तो 162.5 सेंटीमीटर आप लोग की हाइट रहेगी। तो मेल कैंडिडेट की जानकारी आप लोग को दे दी है हाइट की। और इसी प्रकार से मेल कैंडिडेट चेस्ट आप लोग देख सकते हैं, सभी कैंडिडेट जो कि एसटी कैंडिडेट को छोड़ करके, ठीक है, और जो भी इंक्लूडिंग गढ़वाली, कुमायूं, गोरखा, डोगरा, मराठा सब कुछ इंक्लूड है इसमें, एसटी को छोड़ करके बाकी सभी यहां पे 80 से 85 यानी कि नॉर्मल 80 और फुलाव के बाद आप लोग का 85 होना चाहिए, और एसटी कैंडिडेट है तो 77 और फुलाव के बाद आप लोग का 82 होना चाहिए। इसके बाद जो आप लोग की फीमेल कैंडिडेट है, फीमेल भी यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगी जनरल और अदर रिक्रूटमेंट यानी कि जनरल ओबीसी एससी 157 सेंटीमीटर, और यदि आप लोग घरवाली, कुमारी, गोरखा, डोगरा, मराठा इन कैटेगरीज से आप लोग आते हैं तो 155 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट की जानकारी दे रहा हूं, और एसटी फीमेल कैंडिडेट हैं तो यहां पे 154 सेंटीमीटर आप लोग की हाइट रह सकती है मिनिमम जानकारी दी गई है। मैक्सिमम आपकी कितनी भी हो कोई दिक्कत नहीं। चेस्ट नॉट एप्लीकेबल, चेस्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। वेट आप लोग का हाइट के और एज के अकॉर्डिंग होता है, इसकी जानकारी भी आप लोग को दी जाएगी। मेडिकल भी आप लोग का होने वाला है, जी हाँ, फिजिकल के साथ साथ आप लोग का मेडिकल होने वाला है। तो मेडिकल में आप लोग देखेंगे यहाँ पे आईज की जानकारी, ठीक है, जो भी मेडिकल्स होते हैं, कलर विजन वगैरह कितना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और बाकी की जानकारी आप लोग को मेडिकल के बारे में जो इसकी डिटेल आएगी जैसे ही वैकेंसी आती है आप लोग को जानकारी दी जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आप लोग को बता दिया, 10th क्लास पास आप लोग होने ही चाहिए, और इसके अलावा आप लोग को मेडिकल स्टैंडर्ड, ठीक है, आईज वगैरह, चलिए ये सब चीजें आप लोग को पता चल गई है। और इसके अलावा आप लोग देखेंगे एज, वेदर एज एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट विल अप्लाई इन द केस ऑफ प्रमोट, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल। पीरियड ऑफ प्रोबेशन, पीरियड ऑफ प्रोबेशन आप लोग का 2 ईयर का प्रोबेशन पीरियड रहेगा यदि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आती है तो, जी हाँ। इसके अलावा मैं आप लोग बता दूं तो मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट जो आप लोग का कैसे कैसे हो सकता है, यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी आ सकती है या फिर प्रमोशन वगैरह भी हो सकते हैं या फिर डेप्यूटेशन पे या फिर एब्जॉर्प्शन बेस पे भी आप लोग की एंड परसेंटेज बेस पे भी आप लोग की जो है यहाँ पे सिलेक्शन, यहाँ पे रिक्रूटमेंट को लिया जा सकता है। तो ये जो मैं जानकारी आप लोग को दे रहा हूँ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बेस पे दे रहा हूँ, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आती है तो क्या क्वालिफिकेशन होगी, क्या एज होगी आप लोग की, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, ये सब कुछ आप लोग का बताया गया है। और यदि डेप्यूटेशन बेस पे आती है, ठीक है, तो उसकी डिटेल आप लोग को दी गई है। प्रोबेशन पीरियड होता है तो आप लोग की उसकी जानकारी भी आप लोग दी गई है तो आप लोग देख लेंगे। इसके अलावा आप लोग को कुछ स्पेशल इसमें नहीं बताया गया है, और 1/3/2024 का ये नोटिस है, इसको लेकर के कुछ स्टूडेंट परेशान थे तो मैंने आप लोग को यहाँ पे जानकारी दे दी है। फ्रेमिंग ऑफ रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल कैंडलमैन, न्यू रूल्स, जी न्यू पोस्ट है आप लोग की, न्यू आरआरएस एंड सीआईएसएफ में कांस्टेबल कैंडलमैन की जो न्यू पोस्ट है इसके भर्ती नियम की जानकारी इस नोटिस से मिल रही है। वैकेंसी आने वाली है नहीं आने वाली है इसकी जानकारी नहीं दी गई है, मैं एक बार और आप लोग को क्लियर कर दूं। ये नोटिस रिक्रूटमेंट रूल्स की जानकारी आप लोग को दी गई है, मीन्स आप लोग की रिक्रूटमेंट बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी। अप्रूवल के लिए आप लोग को भेजा गया है एमएचए में, जी हाँ बिल्कुल अप्रूवल के लिए भेजा गया है। यहाँ पे अप्रूवल मिलने के बाद ही आने वाले समय में आप लोग को भर्ती देखने को मिल सकती है। तो पूरी जानकारी आप लोग को दे दी गई है इस नोटिस के माध्यम से। यदि आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं, बिल्कुल आप लोग के पास एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों के से मांगा गया है एनिमल हैंडल का, ठीक है, वेटनरी कॉलेज, वेटनरी स्कूल और जो भी आप लोग की सरकारी जो और गवर्नमेंट के जो भी आप लोग के वेटनरी के संस्था वगैरह हैं, फर्म वगैरह हैं, तो आपके पास एक्सपीरियंस है, आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। ओनली और ओनली 10th क्लास पास, 18 से 25 साल आप लोग की एज, जनरल की पूरी जानकारी मैंने आप लोग को दे दी, जी हाँ ओबीसी एससी एसटी को बेनिफिट आप लोग को मिलेगा। तो आने वाले समय में आप लोग को ये रिक्रूटमेंट देखने को मिल सकती है, किसी प्रकार की कंफ्यूजन में आप लोग ना रहे, तैयारी करते रहे। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट टाइम पर, जहां से आप लोग सीखेंगे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर बताया कि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग बताएं। किसी नेक्स्ट टाइम।